स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर इंडिगो एंड द राइटर इज लुइस फिशर। ये जो इंडिगो का मतलब होता है नील, ये जो चैप्टर है आजादी के टाइम का है, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट जब चल रही थी ये तब का है, लगभग 1916-17 इस टाइम का। इंडिगो जो नील की खेती होती थी ये बिहार में होती थी, जहां पर किसानों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। और ये इस चैप्टर में लुइस फिशर ने किसके बारे में बताया है? महात्मा गांधी के बारे में बताया है। तो इसके एमसीक्यूज करते हैं और साइड बाय साइड इसकी जो स्टोरी होगी, जो समरी होगी, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो को पूरा देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द ऑथर बोर्न। ये जो ऑथर कौन है? लुइस फिशर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इन फिलाडेल्फिया, इन स्कॉटलैंड, इन यूगोस्लेविया? नन, इनका जन्म फिलाडेल्फिया में होता है। और ये एक पत्रकार थे, ऑथर जो थे पत्रकार थे। इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर किताबें लिखी हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन डिड द ऑथर सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी। ये जो ऑथर है यानी कि लुइस फिशर, इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में कब काम किया था? 1980-20, 1912-13, 1909-1910, 1900-1902। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में काम किया था 1918 से लेकर 1920 तक, 1980-1920। विच यूनिवर्सिटी वॉज द ऑथर ए मेंबर ऑफ? ये जो कौन सी यूनिवर्सिटी के ऑथर कौन? लुइस फिशर। कौन सी यूनिवर्सिटी के मेंबर थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलम्बिया एंड ऑक्सफोर्ड। थोड़े बहुत क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ से हमारे चैप्टर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। फ्रॉम वेयर हैड द पीजेंट्स राजकुमार शुक्ला कम टू मीट महात्मा गांधी। चैप्टर में मैंने अब स्टार्टिंग में बताया था ये चैप्टर कहाँ से रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है। और ये जो राजकुमार शुक्ला है ये कहाँ से मिलने आए थे महात्मा गांधी को? चंपारण से, पंचारण से, उत्तर प्रदेश से, कानपुर से? तो ये आए थे चंपारण। और चंपारण कहाँ पर है? बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला आस्क्ड गांधी टू विजिट चंपारण, व्हाट डिड ही कंप्लेन अबाउट? जो राजकुमार शुक्ला गांधी से मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारे चंपारण में आओ आप एक बार। व्हाट डिड ही कंप्लेन? उसकी क्या कंप्लेन थी किसकी? राजकुमार शुक्ला की। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज ऑफ वाटर थी, इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स था, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थी। तो ये तो समस्याएं उस टाइम इस टाइप की थी नहीं। तो क्या समस्या थी? इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि आजादी के टाइम का चैप्टर है तो ये जो है अन्याय के बारे में ही बात करेगा, इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु केम टू कैलकटा टू मीट महात्मा गांधी? कैलकटा जो है महात्मा गांधी से मिलने कौन आया था? सरदार पटेल आए थे, मौलाना आजाद आए थे, राजकुमार शुक्ला आए थे, नेहरू गांधी? तो राजकुमार शुक्ला आए थे। कब आए थे? 1917 में। सबसे पहले राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी से कब मिले? 1960 दिसंबर में मिले थे। कहाँ पर मिले थे? लखनऊ में मिले थे। उसके बाद ये इनसे कब मिले? 1970 में कैलकटा, क्योंकि महात्मा गांधी ने इनको टाइम दिया कि भाई मैं कैलकटा आऊंगा फला फला डेट को, तो आप मुझे कैलकटा में मिले। किसको? राजकुमार शुक्ला को इन्होंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पटना महात्मा गांधी मेट राजेंद्र प्रसाद, व्हाट डिड ही लेटर बिकेम? अब लेटर का मतलब होता है बाद में, यानी कि बाद में किसका जिक्र आया है? राजेंद्र प्रसाद के। पटना में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद से मिले थे, तो राजेंद्र प्रसाद बाद में क्या बने? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया बने थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ओन्ड मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड इन चंपारण? अब चंपारण की जो समस्याएं थी, मतलब जो लैंड थी, फर्टाइल लैंड होती है उपजाऊ, उपजाऊ जहां पर मतलब फसल अच्छी होती, तो उपजाऊ लैंड किसके पास थी चंपारण की? इंडियन फार्मर्स के पास थी, लेबरर के पास थी, शॉपकीपर्स के पास थी, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। चंपारण की जितनी भी उपजाऊ जमीन थी वो सारी की सारी इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स ने अपने अधीन कर रखी थी, और वहां के जो वास्तविक मालिक थे जमीन के, यानी कि इंडियन जो फार्मर थे, वो इनके अकॉर्डिंग काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण? और चंपारण की चीफ जो फसल थी वो क्या थी? मेन वाणिज्य, कमर्शियल का मतलब होता है जिस फसल के बदले में पैसे मिले, टी थी, इंडिगो थी, कैश्यूनट था, या आमंड्स थे? तो वहां की कमर्शियल जो क्रॉप थी चंपारण की वो थी इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील, यानी कि नील की खेती करते थे। मोस्टली ने हिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ा होगा नील की खेती से रिलेटेड समस्याओं को।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो, कौन से देश ने सिंथेटिक इंडिगो यानी कि सिंथेटिक नील बना लिया था, नील को फैक्ट्री में बना लिया था। अब चंपारण में क्या था कि नील की खेती करते थे, और नील जो है जब फैक्ट्री में बनता है तो सस्ता बनता है, खेती की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कौन से देश ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था, जापान ने, पाकिस्तान ने, इराक ने, जर्मनी ने? ये बना लिया था जर्मनी ने। और मेन जो हमारा चैप्टर है वो किसके ऊपर है कि भाई जब जर्मनी ने सिंथेटिक नील बना लिया तो चंपारण में क्या था कि भाई 15% लैंड जो है वो किसके लिए यूज की जाती थी, इंडिगो के लिए। और ये इंडिगो जो है कौन ले लेता था, इंग्लिश लैंडलॉर्ड, यानी कि अगर किसी के पास 100 किले थे तो 15 किले जो है इंग्लिश लोग ले लेते, इंग्लिश लैंडलॉर्ड तो वो ले लेते थे कि भाई इनके ऊपर आप इंडिगो लगाओगे, नील लगाओगे, महंगा पड़ता था। तो नील 15 किलो का किले का जो नील था वो सारा का सारा किसको जाता था, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को, मतलब जो वास्तविक मालिक था उसको कुछ भी नहीं मिलता था, ये मेन समस्या थी। और इन्होंने क्या किया, जब जर्मनी ने सिंथेटिक नील बना लिया तो ये जो अंग्रेज अधिकारी थे इन्होंने कहा कि भाई 15% जो तुम्हारी लैंड है उसे हम फ्री कर देंगे। क्या करेंगे, फ्री कर देंगे, यानी कि आप लोगों को वापस लौटा देंगे, लेकिन इसके बदले आप हमें क्या दो, पैसे दो। क्योंकि इनको पता लग गया था नील बना लिया गया है, अब ये बिकेगा नहीं, तो इन्होंने इसके बदले भी पैसे मांगे किसानों से, कि जमीन किसानों की उसी, लेकिन फिर भी पैसे लेके छोड़ने के लिए कहा। और ये मेन समस्या थी इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिरहुत बिहेव विद महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी चंपारण में गए, तिरहुत में गए, तो वहां पर जो ब्रिटिश कमिश्नर थे उन्होंने कैसा व्यवहार किया महात्मा गांधी के साथ। He met Gandhi cordially. He was happy to meet Gandhi. He invited Gandhi to lunch. He asked Gandhi to leave Tirhut. उन्होंने गांधी जी को कहा कि भई आप तिरहुत को छोड़ दीजिए। क्यों मिलने गए थे इनसे, नील की खेती की समस्या के बारे में, मतलब किसान जो कह रहे थे तो हमसे पैसे मांग रहे हैं, पैसे हम नहीं दे सकते अपनी ही जमीन के। तो उस सिलसिले में ये किससे मिलने गए थे, ब्रिटिश कमिश्नर से। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने गांधी जी को कहा कि भई आप तिरहुत को छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी क्या है, मोतिहारी है, होतिहारी, कानपुर है और रोटिहारी। तो चंपारण की राजधानी है मोतिहारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बाद में मोतिहारी भी गए थे। इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर, ऑथर ने किताब लिखी है और एक्सेप्ट होता है अंश, कौन सी किताब का अंश है, मतलब कौन सी किताब में से एक चैप्टर छांट रखा है, ये किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लिखी है इन्होंने लुईस फिशर ने, तो उसमें से एक चैप्टर लिया गया, हंस लिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड पीपल ऑफ मोतिहारी डू व्हेन दे लर्न्ड गांधी वाज इन ट्रबल विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज, जब मोतिहारी गांधी जी गए हुए थे किसी किसान से मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और इनको कोर्ट में ले जाने पेश होने के लिए कहा था। तो ये लोगों को जो है पता लगा कि भाई गांधी जी मुसीबत में है, तो उन्होंने क्या किया, They surrounded the courthouse. They did not help him. They remained in their house. They took the side of the British. They surrounded the courthouse. जब उन्हें पता लगा कि अगले दिन कोर्ट लेके जाएंगे गांधी जी को, तो वो सारे के सारे किसान बहुत ज्यादा मात्रा में कोर्ट हाउस में इकट्ठित हो गए, लगभग हजारों किसान, जिसके कारण जो है उनको कोर्ट, जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको भी दिक्कत आई और महात्मा गांधी ने ही उनको कंट्रोल करने में उनकी हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड गांधी वांट इंडियन टू बिकम, गांधी जी क्या चाहते थे कि भारतीय कैसे बने, सेल्फ रिलायंट एंड फियरलेस, वीक एंड मिजरेबल, ग्रीडी एंड करप्ट, ये तो वो चाहते ही नहीं थे। तो वो चाहते थे कि भारतीय जो है सेल्फ रिलायंट और फियरलेस, भय मुक्त भी हो और अपने आप में आत्मनिर्भर भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु समंड गांधी फॉर निगोशिएशन अबाउट द कंप्लेंट्स ऑफ इंडिगो फार्मर, जो इंडिगो फार्मर मतलब नील की खेत वाले जो किसान थे उनके लिए गांधी जी को किसने बुलाया निगोशिएशन के लिए, समझौता करवाने के लिए, एक तरह से इनकी बात भी और उन अंग्रेज अधिकारियों की बात को तय करने के लिए। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, द डायरेक्ट कमिश्नर, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, उनको बुलाया द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो, इस लेसन में, इस चैप्टर में क्या मैसेज दिया गया है, एफिशिएंट प्लॉयर्स है, स्पीक अलाउड है, वॉइस एंड प्रेजिस लीडरशिप कैन रिजोल्व एनी प्रॉब्लम, नन, इसमें मैसेज दिया गया है कि भाई अगर समझदार और हिम्मत से कोई लीडरशिप करता है तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को क्या देते थे,
चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने, 10% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड 15% ऑफ हार्वेस्ट, 20% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड 15% ऑफ हार्वेस्ट, 10% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड 25% हार्वेस्ट, 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड इनडायरेक्ट। हाँ, वो अपनी जमीन का 15% जो है उनको दे देते थे अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स को, और उसके ऊपर जितनी भी पैदावार होती थी वो सारी की सारी इंडिगो हार्वेस्ट जो है किसको जाती थी, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को। तो 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट किसको जाती थी, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को। व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट द पीजेंट्स टू पे कंपनसेशन, क्यों चाहते थे ब्रिटिश ये जो 15% को फ्री करने के लिए, वो जो है इसलिए चाहते थे कि कंपनसेशन दी जाए, बिकॉज दे फ्रीड देम, बिकॉज दे गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रिटिश हेडक्वार्टर, बिकॉज दे वर लिविंग इंडिया, दे गेव 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। क्योंकि वो चाहते थे, ब्रिटिश अंग्रेज लैंडलॉर्ड चाहते थे, इनसे जो पैसे मांग रहे थे इंडियन फार्मर से, कह रहे थे कि भाई जो 15% तुम्हारी लैंड होल्डिंग है उसे हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, और जो एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट है मतलब नील जो लगा रखे इसको भी फ्री कर देंगे, इसके बदले हमें क्या दो, तुम पैसे दो, कंपनसेशन दो। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एमके गांधी फाइट इन चंपारण, महात्मा गांधी ने जो है चंपारण में लड़ाई क्यों की, टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस, टू गेट पॉपुलैरिटी, टू शो पावर, टू बोस्ट ऑफ हिज इंटेलिजेंस। तो उन्होंने सिक्योर जस्टिस न्याय दिलाने के लिए, जो दबे कुचले, ऑप्रेस्ड होता है दबे कुचले आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज गांधी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई, गांधी जी को जो लड़ाई थी चंपारण की वो क्या दिखाती है, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, द पावर ऑफ लॉयर्स, द पावर ऑफ फार्मर्स, द पावर ऑफ मनी, ये दिखाती है द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मोतिहारी ब्लैक विद पिजेंट्स, अब मैंने कहा था जब गांधी जी मोतिहारी में थे और उनको कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, तो ब्लैक का मतलब काला, किसानों से काला का मतलब बहुत ज्यादा किसान थे जिनके सिर ही सिर दिख रहे थे, तो ब्लैक क्यों था, बिकॉज ऑफ पीपल्स राइट, बिकॉज द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, बिकॉज देयर चैंपियन वॉज इन ट्रबल, क्योंकि उनका जो चैंपियन था उनके लिए जो लड़ने आया था वो मुसीबत में थे, इसलिए वहां पे किसान बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, कहां, मोतिहारी में, और मोतिहारी क्या है, चंपारण की कैपिटल। हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शंस ऑफ पीपल ऑफ मोतिहारी, मोतिहारी के जो एक्शंस थे उनको गांधी जी ने क्या बताया, एज लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश बाय कॉलिंग देम क्रेजिस, बाय चाइडिंग द लॉयर्स नन, एज लिबरेशन, आजादी एक तरह से किससे, डर से, किसके डर से, अंग्रेजों के डर से, मतलब लोग जो इकट्ठे हुए थे वहां पर हजारों की संख्या में, उन्होंने कहा कि भाई ये अंग्रेजों के डर से जो है मुक्त होने लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स, अब जो वो कंपनसेशन मांग रहे थे अंग्रेज उनकी जमीन को फ्री करने के लिए, तो गांधी जी ने वो कंपनसेशन वापस मांगी कि भी जो इनके पैसे ले रखे किसानों के वो वापस दो, तो कितने कंपनसेशन उन्होंने वापस मांगी गांधी जी ने, उन्होंने कहा 50% तुम वापस करो, क्योंकि पैसे लेने के बाद उनके देने बड़े मुश्किल होते हैं, तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को कहा कि भाई आप 50% पैसे किसानों के वापस दो। हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, और जो इंडिगो प्लांटर्स थे उन्होंने क्या कहा इसके बदले में कि कितने देंगे, उल्टे 30%, 25, 10%, 40%, उन्होंने कहा, उन्होंने देखा कि गांधी जी बिल्कुल अडिग हैं अपनी बात पे, फर्म है, तो उन्होंने कहा हम तो 25% देंगे, यानी कि गांधी जी ने क्या डिमांड किया, 50%, और उन्होंने कितना दिया, 25% की डिमांड की कि भाई हम 25% इनको लौटा देंगे जो पैसे हमने किसानों से ले रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% रिफंड ऑफ फार्मर्स, और गांधी जी ने जब उन्होंने कहा कि 25 देंगे, गांधी जी फौरन मान गए, एकदम से मान गए कि हाँ 25% दे दो उल्टे, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पावर, बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टीज ऑफ फार्मर वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि गांधी जी ने कहा पैसे से ज्यादा जरूरी जो प्रेस्टीज है, किसानों की इज्जत जो है कि भाई हम लड़े और बदले में हमें कुछ नहीं मिला, या लड़े या बदले में हमें कुछ मिला, ये जो प्रेस्टीज थी फार्मर्स की वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो गांधी जी जो है एकदम से जब उन्होंने कहा कि हम 25% पैसे वापस दे देंगे जो हमने इलीगल तरीके से लिए हैं, तो वो एकदम से मान गए, क्योंकि पैसे से ज्यादा प्रेस्टीज ऑफ फार्मर वॉज इम्पोर्टेंट कि भाई 25% तो देंगे उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट्स ऑफ चंपारण, उन्होंने कैसे सहायता की उनकी, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, हायरिंग लॉयर्स, बाय एजुकेटिंग, बाय टीचिंग देम क्लीन, उन्होंने की बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इनके द्वारा क्या मुसीबत का या समस्याओं का सामना किया जा रहा था? पुअर्टी का, वर्क फोर्स टू ग्रो इंडिगो, अनेबल टू रेज वॉइस, इलिटरेसी, वर्क फोर्स टू ग्रो इंडिगो, इनको बाध्य किया जाता था नील उगाने के लिए, अपने 15% खेती पर नील उगाना ही पड़ेगा, इनसे के साथ जबरदस्ती की जाती थी, तो ये इनकी समस्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर, उन्होंने मुजफ्फरपुर जाना क्यों? जब ये शुक्ला के साथ चंपारण जा रहे थे तो पहले ये मुजफ्फरपुर गए, क्यों गए? टू हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट लॉयर्स, टू नो डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ पीपल, टू हैव पर्सनल बॉन्ड विद द पीपल, टू हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी लेने के लिए कहाँ गए? मुजफ्फरपुर गए। हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में किन किन होने गांधी जी को पूरी तरह से समझाया? गवर्नमेंट ऑफिसर ने, पॉलिटिशियन, फार्मर्स एंड लायर्स, लायर्स के साथ इनकी बात हुई क्योंकि किसानों के मुकदमे इन्हीं के पास थे, तो इन्होंने इनके इसके बारे में, शेयर क्रॉपिंग के बारे में पूरी तरह से समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राजकुमार शुक्ला जो चंपारण से थे ये कौन थे? ये लॉयर थे, ये पॉलिटिशियन थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, ये पुअर पीजेंट्स, ये एक छोटे से किसान थे, गरीब किसान थे राजकुमार शुक्ला, जो गांधी जी के साथ के पास आए थे चंपारण के लिए, और चंपारण के कारण गांधी जी भी बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, तो इनका रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड इन 1960? 1960 में जो एनुअल कांग्रेस पार्टी का सेशन था वो कहाँ पर था? वाराणसी, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ? लखनऊ में था, और यहीं पर राजकुमार शुक्ला जो है पहली बार गांधी जी से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी, क्यों आए थे वो लखनऊ में? टू बी रिच, टू बी फेमस, टू फाइट एंड गेट मनी, टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो आए थे कि भाई जो लैंडलॉर्ड सिस्टम की अन्याय कर रहा है उसकी शिकायत करने के लिए आए थे, किसको? गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी, क्यों मिले गांधी जी से वो? टू सीक हिज गाइडेंस फॉर हिज ओन अपलिफ्टमेंट, to get ideas, to be famous, to learn the art of speaking, to seek his help for the poor, to seek Gandhiji's help for the poor sharecroppers, वो गांधी जी के पास आए थे कि भाई जो बटाईदार किसान है उनकी सहायता करो, इसलिए वो गांधी जी के पास आए थे, कौन? राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज चंपारण फेमस, चंपारण फेमस क्यों है? फॉर फाइटिंग फॉर इंडिगो, बिकॉज गांधी जी विजिटेड फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, क्योंकि पहली सत्याग्रह मूवमेंट इन 1970 कहां पर हुई थी? चंपारण, इसीलिए ये फेमस हो जाता, और ये टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के लिए। व्हाई वो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड इन चंपारण? फॉर गांधीज अपलिफ्टमेंट, फॉर रेजिंग फंड्स, फॉर गेटिंग बिजनेस, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स को, किसान जो थे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। वे वो चंपारण, चंपारण कहाँ पर है? लखनऊ में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है इन ब्रिटिश इंडिया। Who was Sir Edmund in the Lesson Indigo? Sir Edmund कौन है? ये जो लेशन हमारा जो चैप्टर है इंडिगो, इसमें कौन है? ब्रिटिश लॉयर है, ब्रिटिश बिजनेसमैन है, ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर है इन इंडियन सिविल सर्विसेज उस टाइम के, कौन? सर एडमंड। Where was Sir Edmund posted? Sir Edmund की posted कहाँ, posting कहाँ पर थी, कहाँ नौकरी करते? ईस्ट इंडिया में, इन पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, इन एट बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस, इन बंगाल प्रोविंस, इन ब्रिटिया, एट बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस, इन बंगाल प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेटमेंट दैट गांधी जी रेड प्लेडिंग हिमसेल्फ गिल्टी? मोतिहारी में जब इनको कोर्ट ले जाया गया तो इन्होंने कौन सी स्टेटमेंट को मतलब पढ़ा, क्या स्टेटमेंट दिया अपने आप को गिल्टी मानते हुए? दैट ही वॉज ए लॉ ब्रेकर, दैट ही वॉन्टेड टू कमेंट रिस्पेक्ट, दैट ही वॉज नॉट ए लॉ ब्रेकर एंड केम टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल। इन्होंने कहा कि भाई मैं लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, कानून तोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर एक तरह से मानवता के नाते और अपने देश की सेवा करने के नाते मैं इस आदेश को नहीं मानूंगा, इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं मोतिहारी से नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कही वॉज नॉट ए लॉ ब्रेकर एंड केम टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट? उन्होंने विरोध क्यों किया? To be famous, to show his power, to humiliate the British, to protest the court's orders, to postpone the trial.
जब कोर्ट में कहा कि भी देरी हो रही थी देरी इस ट्रायल के लिए, तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया। वाई डिड गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट? ए टर्निंग पॉइंट क्यों मानते हैं इसको? हिज वॉइस स्प्रेड फॉर एंड वाइज बिकेम फेमस, ब्रिटिश वर स्केयर द प्रोटेस्ट ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टमैन पोस्टपोन द ट्रायल। ये हमारा ऑप्शन है ए, इट्स वॉइस स्प्रेड। ये इनकी आवाज जो थी चंपारण में, जो इनकी जीत हुई थी, इसकी आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी? कस्तूरबा ने गांधी जी की सहायता कैसे की? बाय सीकिंग स्पीकिंग टू द पीपल, बाय वॉकिंग विद हिम, बाय मूविंग हियर एंड देयर, बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीननेस। उन्होंने चंपारण के लोगों को आश्रम के नियम और जो साफ सफाई के नियम जो है बताए। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल? होम रूल का मतलब जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके प्रति जो भारतीय थे उनका क्या रवैया था? वेरी वेलकमिंग था, क्रेजियस था, प्लीजिंग था, फियरफुल एंड डिफरेंट? उनका था फियरफुल एंड डिफरेंट। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एडवोकेट्स ऑफ होम रूल? जो एडवोकेट्स थे होम रूल के, उनका क्या उद्देश्य था? टू गेट मनी, टू बी पॉपुलर, टू इंस्टिगेट पीपल, टू इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। टू एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण? चंपारण में जो किसान थे उनकी हालत कैसी थी? वेरी हैप्पी थे, इंडिफरेंट थे, इंडिपेंडेंट थे, वेरी रिच थे, टेरर स्ट्रिकन एंड ओप्रेस्ड? ये डरे हुए थे और दबे कुचले थे। वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 डेज? गांधी जी 2 दिन कहाँ पर रहे? जब ये कहाँ गए हुए थे, जब ये चंपारण जा रहे थे, जब मुजफ्फरपुर में थे, तो वहां से उन्होंने किसको तार भेजा था, किसके घर गए थे? ये गए थे प्रोफेसर मलकानी के घर। तार किसको भेजा था इन्होंने? कृपलानी को। और रुके थे किसके घर? एट प्रोफेसर मलकानी हाउस। व्हाई वाज द गवर्नमेंट बाफल? गवर्नमेंट जो है क्यों बौखला गई थी? बिकॉज ऑफ लॉयर्स पावर, बिकॉज ऑफ फार्मर्स, बिकॉज ऑफ शेयर क्रॉपर्स, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। बिकॉज ऑफ सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट बाय द पीजेंट्स गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी बौखला गई थी। हुम डिड गांधी जी सेंड ए टेलीग्राम टू? गांधी जी ने तार किसको भेजा? सर एडमंड को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पीजेंट्स को, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को? इन्होंने प्रोफेसर जेबी कृपलानी को भेजा। इन्होंने 3 बार तार भेजे हैं। पहले बार तार किसको भेजा? प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। घर किसके रहे वहां पर? ये मलकानी के घर रहे। दूसरी बार इन्होंने तार किसको भेजा था? राजेंद्र प्रसाद को भेजा। राजेंद्र प्रसाद को भेजा, यानी जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तीसरा तार इन्होंने किसको भेजा था? वायस राय को भेजा था। वायस राय जो भारत के वायस राय थे उनको भेजा इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फॉर द मेडिसिन फॉर चंपारण पीपल? चंपारण के लोगों के लिए क्या क्या दवाई गांधी जी ने अरेंज की? कैस्टर ऑयल, क्विनिन, सल्फर ऑइंटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कैस्टर ऑयल होता था जिसकी जीभ पर जमी हुई थी, तो क्विनिन होता था जो मलेरिया था। कैस्ट्रोल और क्विनिन दोनों किसको दी जाती थी? मलेरिया वाले को दी जाती थी। और सल्फर ऑइंटमेंट किसको दी जाती थी? स्किन प्रॉब्लम जिसको भी थी उनके लिए क्या दिया जाता था? सल्फर ऑइंटमेंट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसमें एक बार फिर से मैं इसको स्टोरी बता देती हूँ। गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण की लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में ये चैप्टर है। यहाँ पे नील की खेती करने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने आवाज उठाई और वो जो है यहाँ पर जीते भी। गांधी जी को इससे पहले बहुत कम लोग जानते थे, और यहाँ के बाद ये जो लड़ाई इन्होंने लड़ी, इनका जो है फेम बहुत दूर दूर तक चला गया, क्योंकि जीत भी गए थे। तो इसीलिए ये जो है इनके चंपारण का एपिसोड इनके लिए टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए।